हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय SSS में फिर से एक बार स्वागत है। अभी हम लोग प्रथम सावधिक परीक्षा यानी फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए जो मॉडल सेट निकला था उसमें क्लास 12 इकोनॉमिक्स मॉडल सेट 2 में सभी 40 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही उत्तर को अभी हम लोग जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए क्लास 12 इकोनॉमिक्स मॉडल सेट 2 में सभी 40 इम्पोर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही उत्तर को जानिए। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आदर्शक अर्थशास्त्र नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के संबंध में क्या सही है? तो आदर्श विज्ञान नॉर्मेटिव साइंस का उद्देश्य होता है सलाह देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आदर्शक अर्थशास्त्र का कार्य परामर्श देना है, सलाह देना होता है, एडवाइस देना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्ति के द्वारा, मांग पूर्ति के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी ओर वितरित होने का क्या कारण है? उत्पादन संभावना वक्र PPC दाहिनी ओर खिसकता है, तो उसका क्या रीजन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, तकनीकी विकास। तकनीकी विकास होने से PPC दाहिनी ओर खिसक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक किसान 100 टन धान उत्पादन करने के लिए 120 क्विंटल गेहूं के उत्पादन का त्याग करता है, धान उत्पादन के लिए अवसर लागत क्या होगा? तो किसान यहाँ पर 100 टन धान उत्पादन करने के लिए 120 क्विंटल गेहूं के उत्पादन का त्याग कर देता है, तो धान उत्पादन के लिए अवसर लागत हो जाएगा 120 क्विंटल गेहूं जिसको छोड़ दिया। ठीक है, धान उत्पादन करने के लिए 120 क्विंटल गेहूं को छोड़ दिया तो 120 क्विंटल गेहूं धान उत्पादन करने के लिए अवसर लागत हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, एक विवेकशील उपभोक्ता के लिए 2 वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के निम्न बंडलों निम्न जोड़ा का सही अधिमान क्रम उदासीनता क्रम क्या होगा? पहला ए में है 4-5, बी में है 3-5 तथा सी में है 5-6। तो सबसे बेसी सी में है तो पहले सी होगा, उसके बाद ए में है तो उसके बाद ए होगा, और सबसे लास्ट में बी है, बी में सबसे कम है तो सबसे लास्ट में बी होगा। यानी सबसे पहले सी, उसके बाद ए और लास्ट में बी। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, पहले सी उसके बाद ए उसके बाद बी। ठीक है, सी ए बी, 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में, समष्टि अर्थशास्त्र में इनमें से किसका हम लोग डिस्कशन करते हैं, अध्ययन करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर होगा, सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन करने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी में हुए परिवर्तन को सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता का मान 0 होगा। टोटल यूटिलिटी अधिकतम यानी मैक्सिमम तब होगा जब सीमांत उपयोगिता का मान 0 होगा। 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, उदासीनता वक्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो उदासीनता वक्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है आपको खोजना है। पहला, उदासीनता वक्र की ढाल नेगेटिव होता है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होती है, कॉन्वेक्स होती है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी देखिए, उदासीनता वक्र को
सम संतुष्टि वक्र भी कहा जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी देखिए, दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ये गलत है, ये सही नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर ऑप्शन डी होगा, दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ दे दिया है करते हैं, तो ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% की वृद्धि होने से उसकी मांग मात्रा में 8% की कमी होती है, तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मांग में यहाँ पर दिया है 8% और कीमत में यहाँ दिया है 4%, 8/4 यानी 2 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक बजट रेखा अपनी दाहिनी ओर वितरित होगी जब, एक बजट रेखा अपनी दाहिनी ओर ऊपर की ओर वितरित तब होगी जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, उपभोक्ता का आय में वृद्धि होने से उपभोक्ता अपना दोनों वस्तु एक्स और वाई का उपभोग का मात्रा में वृद्धि कर पाएगा, जिससे बजट रेखा का ढाल दाएं ओर खिसक जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी के बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी? देखिए चित्र में मांग रेखा ए बी में बिंदु जी ठीक मध्य बिंदु के नीचे है, तो मध्य बिंदु के नीचे है यानी मांग की लोच एक से कम होगा। यदि मध्य बिंदु के ऊपर रहता तो मांग की लोच एक से अधिक होता, सबसे ऊपर रहता तो अनंत होता, बीच में होता तो एक होता, सबसे नीचे होता तो जीरो होता। ठीक है, मांग रेखा ए बी में बिंदु जी मध्य बिंदु के ठीक नीचे है, इसलिए मांग की लोच यहाँ पर एक से कम होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13, उदासीनता वक्र विश्लेषण से एक उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या है? पहला, उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पष्ट करे, बिल्कुल सही। उदासीनता वक्र और बजट रेखा की ढाल समान हो, समान होता भी है, बिल्कुल सही। तीसरा, MRS बराबर PX/PY, ये भी सही है। चौथा, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी, ऑल सही होगा, इनमें से सभी डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम हो जाती है तो वस्तु एक्स कैसा होगा? घटिया वस्तु होगा। उपभोक्ता का इनकम बढ़ने से वस्तु एक्स का मांग कम हो गया, आदमी कम खरीद रहा है, इसका मतलब वह वस्तु घटिया वस्तु है। 14 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है? ठीक है, पूरक वस्तु का मतलब होता है जिसका प्रयोग मनुष्य एक साथ करता है। तो देखिए ऑप्शन डी, चाय और चीनी का प्रयोग हम लोग चाय बनाने के लिए एक साथ करते हैं, जिसको पूरक वस्तु का जोड़ा कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, देखिए, किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को कहा जाता है। तो उत्पादन मात्रा यानी आउटपुट और उत्पत्ति के साधन यानी इनपुट के बीच के फलनात्मक संबंध को हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, उत्पादन फलन। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 बोल रहा है, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर होते हैं जब, औसत उत्पाद अधिकतम होता है, यानी AP बराबर MP, एवरेज प्रोडक्शन बराबर मार्जिनल प्रोडक्शन होता है। तो कब होता है? जब एवरेज प्रोडक्शन सबसे अधिकतम होता है। यानी 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, यदि कुल लागत TC एवं उत्पादन की मात्रा Q है तो सीमांत लागत का सूत्र क्या होगा? सीमांत लागत बराबर होता है कुल लागत में परिवर्तन बटे उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन, यानी MC बराबर होता है ΔTC/ΔQ। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, ΔTC/ΔQ। क्वेश्चन नंबर 19, पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से है?
तो पैमाने का प्रतिपल का संबंध दीर्घकाल से है। दीर्घकाल में उत्पत्ति का कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है, सबका सब परिवर्तनशील होता है। लॉन्ग टाइम में पैमाने का प्रतिफल नियम लागू होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस काल में उत्पादन के साधनों को स्थिर और परिवर्तनशील साधनों में विभक्त किया जाता है? तो अल्पकाल में। अल्पकाल में टाइम कम होने के चलते उत्पत्ति के साधन दो भाग में बढ़ जाते हैं, कुछ स्थिर रहता है कुछ परिवर्तनशील रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर ऑप्शन सी शॉर्ट पीरियड अल्पकाल होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है? तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के दूसरे स्तर पर उत्पादन करना चाहता है, क्योंकि दूसरे स्तर को साधन के स्थिर प्रतिफल उत्पत्ति समता नियम कहते हैं, जहां पर वह संतुलन की अवस्था में रहेगा, यानी दूसरे स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन औसत उत्पाद की विशेषता नहीं है? औसत उत्पाद की विशेषता नहीं है तो ऑप्शन डी नहीं है। औसत उत्पाद का मान शून्य एवं ऋणात्मक नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दे दिया है हो सकता है, ठीक है। एपी एवरेज प्रोडक्शन औसत उत्पादन का मान कभी भी जीरो नहीं होगा और नेगेटिव भी नहीं होगा। वह घटेगा लेकिन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव जीरो नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन डी में दे दिया है कि औसत उत्पाद का मान शून्य अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है, जो गलत दिया है, जो औसत उत्पाद का विशेषता नहीं है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होती है तब औसत उत्पाद में कमी होती है। जब सीमांत उत्पाद एमपी औसत उत्पाद एपी से कम होती है तब औसत उत्पाद में कमी होती है, ठीक है। क्या होती है? कमी होती है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का, 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यदि उत्पत्ति के सभी साधनों को दुगुना करने पर उत्पादन में तीन गुना की वृद्धि होती है तो इसे कहा जाएगा पैमाने का वर्धमान प्रतिफल, पैमाने का बढ़ते प्रतिफल, क्योंकि हम इनपुट को बढ़ाएं दो गुना और आउटपुट बढ़ गया तीन गुना, तो अधिक बढ़ गया, इसीलिए नाम होगा पैमाने का बढ़ते प्रतिफल, पैमाने का वर्धमान प्रतिफल। क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, उत्पादन के सापेक्ष कुल आगम में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो कुल आगम में परिवर्तन की दर को सीमांत आगम कहते हैं, टी आर में चेंज को एम आर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कुल लागत टी सी, कुल स्थिर लागत टी एफ सी और कुल परिवर्तनशील लागत टी वी सी में क्या संबंध होता है? तो हम लोग जानते हैं टी सी बराबर टी एफ सी जोड़ टी वी सी होता है, कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत जोड़ कुल परिवर्तनशील लागत होता है। 26 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, जब किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति में समान दर से वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब डिमांड और सप्लाई एक समान रेट से बढ़ेगा तो संतुलन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। डिमांड सप्लाई में समान चेंज है, मांग पूर्ति में एक रेट से चेंज होगा, बढ़ेगा घटेगा तो संतुलन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, किसी वस्तु की मांग यानी डिमांड तथा पूर्ति यानी सप्लाई हो तो मांग आधिक्य की स्थिति को दर्शाया जा सकता है। मांग आधिक्य मतलब होता है डिमांड सप्लाई से अधिक है, डिमांड सप्लाई से अधिक है, जो ऑप्शन ए में है और ऑप्शन बी में भी है, क्योंकि दाएं तरफ के सप्लाई को बाएं तरफ ले आए तो माइनस हो जाएगा, यानी डी माइनस एस ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ए एवं बी दोनों, ए और बी दोनों सही है, ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए,
किसी वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति में अधिक वृद्धि होने से साम्य मात्रा में क्या होगा? यदि मांग के तुलना में पूर्ति अधिक बढ़ेगा तो दाम घटेगा लेकिन मात्रा बढ़ेगा। क्वेश्चन दिया है साम्य मात्रा में क्या होगी? तो वृद्धि होगी। ठीक है, जब मांग के तुलना में पूर्ति अधिक होगा तो दाम घटेगा, संतुलन कीमत साम्य कीमत घटेगा लेकिन साम्य मात्रा में वृद्धि होगी। 29 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 30 देखिए, 30 क्वेश्चन नंबर 30, किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 4% की वृद्धि हो जाती है तो पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा? पूर्ति की कीमत लोच का सूत्र होता है पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यहाँ पर पूर्ति में है 4%, कीमत में है 5%, 4/5 यानी 0.8 सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में मांग में वृद्धि का बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी वस्तु का मांग बढ़ने से दाम और मात्रा दोनों बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर होगा 31 का, साम्य कीमत और साम्य मात्रा दोनों में वृद्धि होगी। ठीक है, 31 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, मांग बढ़ने से दाम और मात्रा दोनों बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, मांग आधिक्य की स्थिति में साम्य कीमत में वृद्धि होगी। मांग आधिक्य होगा, मांग वैसी होगा तो साम्य कीमत में वृद्धि होगी। 32 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 33 देखिए, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है। पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है ऑप्शन ए, न्यूनतम एबीसी से ऊपर एसएमसी का बढ़ता भाग। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए अल्पकालीन पूर्ति वक्र न्यूनतम एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर एसएमसी का बढ़ता हुआ भाग होगा। ठीक है, चलिए 33 का सही उत्तर ए होगा। 34 देखिए, पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए एआर और एमआर में क्या संबंध होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में एआर बराबर एमआर होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में एआर बराबर एमआर होता है। 34 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, एआर बराबर एमआर। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में दाम बराबर एआर बराबर एमआर होता है। 17 मिनट हो चुका है। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में, समरूप वस्तुओं की उपलब्धता किस प्रकार की बाजार संरचना की विशेषता है? तो समरूप वस्तु किस प्रकार का बाजार का गुण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक समान दाम एक समान वस्तु होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर 35 का होगा। 36 देखिए, टी आर कुल आगम वक्र की ढाल को क्या कहा जाता है? कुल आगम वक्र की ढाल को एम आर कहते हैं, क्योंकि एम आर के कुल जोड़ को टी आर कहते हैं। तो कुल आगम वक्र की ढाल, इसका मतलब सही उत्तर एम आर होगा। 36 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 37 देखिए, 37 देखिए, किस प्रकार की बाजार संरचना में कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है? तो एकाधिकार बाजार में मोनोपोली मार्केट में कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है, क्योंकि एकाधिकारी व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है, क्योंकि वह अकेला दुकानदार है, अकेला उत्पादक है, अकेला फर्म है। इसीलिए एकाधिकार बाजार में एक अकेला फर्म होता है, एक अकेला उत्पादक होता है जो सीमांत लागत से बहुत अधिक दाम तय करता है अपना वस्तु का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, जब सीमांत आगम का मान 0 होती है तब वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, सीमांत आगम का मान 0 होने से मांग की लोच 1 होगा, सीमांत आगम का मान नेगेटिव होने से मांग की लोच 1 से कम होगा, और सीमांत आगम का मान पॉजिटिव होने से मांग की लोच 1 से अधिक होगा। एम आर पॉजिटिव, मांग की लोच 1 से अधिक। एम आर 0 तो मांग की लोच 1, एम आर नेगेटिव तो मांग की लोच 1 से कम। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 39,
एकाधिकार बाजार के अंतर्गत एआर वक्र और एमआर वक्र में क्या संबंध है? तो एकाधिकार बाजार में मोनोपोली मार्केट में एआर एमआर से अधिक होता है, एआर एमआर से अधिक होता है, ठीक है। 39 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन देखिए। एक एकाधिकारी के लिए उत्पादन के विभिन्न स्तर पर एमआर और एमसी को निम्न तालिका से दर्शाया गया है। संतुलन की अवस्था में वह वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा? तो संतुलन की अवस्था में एमआर बराबर एमसी होता है। अब ध्यान से देखिए, उत्पादन का छठी इकाई में एमआर भी 4 है, एमसी भी 4 है, यानी संतुलन की अवस्था में एमआर बराबर एमसी होता है, जो उत्पादन का छठा इकाई में दिया गया है। एमआर 4, एमसी भी 4, छठा इकाई में है, यानी संतुलन की अवस्था छठा इकाई में प्राप्त होगा उस उत्पादक को, ठीक है। चलिए, यानी एकाधिकारी व्यक्ति को वस्तु की छठी इकाई पर एमआर और एमसी दोनों बराबर दिखाई देगा, जो उसका संतुलन की अवस्था होगा, ठीक। यानी क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, छठी इकाई पर संतुलन की अवस्था, क्योंकि वहां पर एमआर बराबर एमसी है, दोनों 4-4 है, ठीक। चलिए, हम लोग फर्स्ट टर्म एग्जाम इकोनॉमिक्स क्लास 12 का मॉडल सेट 2 में सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही उत्तर को जाने। अगले वीडियो में मॉडल सेट 3 के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही उत्तर को देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।